हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर बॉर्डर्स और ब्लू टिक लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो एप्लीकेशंस बताऊंगा जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में और आप अपने फोटो से बॉर्डर्स और ब्लू टिक फ्री में लगा सकते हैं। तो जो भी दोनों मैं एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको फोन में जाकर बता देता हूं कि वो कौन सी एप्लीकेशंस जो आपको डाउनलोड करनी है और उन्हें कैसे यूज करना है। तो चलिए फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो आपको अपने फोन पे जाना है और आपको प्ले स्टोर को खोल देना है। प्ले स्टोर को खोलने के बाद आपको सर्च करना है प्रोफाइल बॉर्डर। प्रोफाइल बॉर्डर को सर्च करने के बाद आपको जो पहली एप्लीकेशन मिलेगी प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर फ्रेम, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। जो दूसरी एप्लीकेशन है वह प्रोफाइल मेकर फॉर इंस्टाग्राम, आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। इसका भी लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूं। तो हमारी दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं पहली भी एप्लीकेशन को खोलता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर। तो एप्लीकेशन में अंदर जाने के बाद आपको इंटरफेस ऐसे मिलेगा। आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है पॉपुलर, बेसिक, गोल्ड, आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो भी फ्रेम आपको अपने बॉर्डर पे लगानी है आप उसको चूज कर सकते हैं। और कुछ फ्रेम्स पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि लॉक लगा हुआ है, आपको अगर वो फ्रेम यूज करनी है, जैसे कि इस पे ब्लू टिक भी लगा है, आपको अगर ये वाली फ्रेम यूज करनी है तो आप इस पे जाइए। तो आपको नीचे दिख रहे हैं दो ऑप्शन, वॉच ऐड टू अनलॉक और अनलॉक ऑल प्लस रिमूव एड्स। अगर आपको ये वाली बॉर्डर यूज करनी है तो आप एक ऐड देख सकते हैं और इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके। तो आपको ये ऐड देखनी है पूरी, इसके बाद वो जो फ्रेम थी वो आप यूज कर सकते हैं फ्री में, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐड हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो जो लॉक वाला ऑप्शन था वो हट चुका है। मैं यहाँ प्लस पर क्लिक करता हूँ, अलाउ पे क्लिक करता हूँ और अब जो भी फोटो मुझे यूज़ करनी है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फोटो थी जो मैंने की यूज़ की है, तो मैंने अपनी फोटो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें, जैसे कि फोटो को जूम करना है या फिर जूम आउट करना है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और ये जो बीच में ऑप्शन आई का दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल फोटो कैसी दिखेगी। तो मैं बैक कर लेता हूँ और आप सेव पे क्लिक कर दीजिए और फोटो सेव हो जाएगी। तो अब मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन बता देता हूँ, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। तो इसमें आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, आप अगर फोटो सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अभी कोई नई फोटो लेनी है, आप उसको बनाना चाहते हैं प्रोफाइल पिक्चर, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं गैलरी में चला जाता हूँ और अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर सभी ये बॉर्डर्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इनमें से जो भी बॉर्डर अच्छी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। और ये नीचे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ये सेकंड वाला, पहले वाले में आपको ये सब लिंक्स मिलेंगी, सेकंड वाले में आप ये जो फोटो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप फोटो को चेंज भी कर सकते हैं कि आपको फोटो ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, जूम इन जूम आउट। और थर्ड ऑप्शन में आपको और इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप अपनी फोटो पे लगा सकते हैं बॉर्डर्स के अंदर। फोर्थ ऑप्शन में आप अपनी दूसरी फोटो लगा सकते हैं इसको हटा के। और फिफ्थ ऑप्शन जो है वो आपकी कैमरे का है। तो अगर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना है तो आप नो इफेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और मैं अभी इस फोटो को सेव कर लेता हूँ। तो ऐसा आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर पे बॉर्डर्स और ब्लू टिक पर लगा सकते हैं। तो दोनों एप्लीकेशन जो कि मैंने आपको बताई है वो फ्री है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, उन्हें सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिले तो नीचे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में आपको सिर्फ अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है। जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें आपको दो तरह की फ्रेम्स मिलेंगी, एक फ्री होगी एक लॉक्ड होगी। जो फ्री वाली है वो आप ऐसे यूज कर सकते हैं और लॉक वाली में आपको एक ऐड देखनी पड़ेगी, ऐड को देखने के बाद आपकी जो फ्रेम थी वो अनलॉक हो जाएगी। और जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसमें आप फ्रेम्स और इफेक्ट्स फ्री में मिलेंगे, उसमें ब्लू टिक का ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ बॉर्डर्स और अपनी फोटोज में जो फ्रेम्स है वो चेंज कर सकते हैं। ब्लू टिक के लिए आपको पहली एप्लीकेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।